सुनने वाले के हाथ में होती हैं, वे जैसे चाहे वैसे उस पुतले को अपनी उंगली के इशारे से नचा सकते हैं, वैसे भगवान इस संसार के जीव को जैसे चाहे वैसे नचा सकते हैं। परंतु फिर भी भगवान कितने दयालु हैं भक्तों, भगवान की दयालुता पर एक बार भी यदि हम नजर डालें तब भी सारे कार्य छोड़कर हम भगवान की भक्ति करने लगेंगे। परंतु हाय रे दुर्भाग्य, कलयुग के जीव के पास यह भी समय नहीं है कि हम भगवान में कितनी दया है यह देखें। सोचिए भगवान की हम पर जितनी कृपा है, ध्रुव महाराज ने यहां तक कह दिया, प्रभु संसार में रहने वाला व्यक्ति यदि इतना स्मरण कर ले कि आपने हमको क्या दिया है, बस इतना स्मरण कर ले भगवान ने हमको क्या क्या दिया, इतने स्मरण मात्र से उनका अनुराग, उनका प्रेम आपके चरणों में हो जाएगा। परंतु कलयुग के जीवों के पास यह सोचने का भी समय नहीं है। वैसे तो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं कि हम लोग श्रेष्ठ हैं। मैं अक्सर कहता हूं, कभी कभी हम ट्रेन से जाते हैं, किसी का मोबाइल नंबर लिखना होता है तो किसी से पेन उधार मांगते हैं, भाई साहब पेन दीजिए मुझे कुछ लिखना है। एक छोटा सा मोबाइल नंबर लिखने के बाद पेन हम उसे वापस लौटाते हैं और लौटाते समय क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं ना, इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, थैंक यू। हम ये दिखाना चाहते हैं हम कितने सोफिस्टिकेटेड हैं, हम कितने सज्जन हैं, कितने साधु हैं कि एक छोटा सा नंबर लिखा तो वापस लौटाते समय थैंक यू कहा, एक थोड़ी सी रिफिल इस्तेमाल कर दी, एक नंबर लिख लिया और फिर उसे वापस लौटाते तो थैंक यू कहते हैं। जिस भगवान ने यह शरीर, हवा, पानी, प्रकाश, ये सब कुछ दे दिया लेकिन फिर भी उसे थैंक यू कहने का समय हमारे पास नहीं, कम से कम उसे धन्यवाद नहीं दे सकते हैं है? साल में एक बार कैसे भी करके मंदिर में चले भी गए तो धन्यवाद की बात तो दूर रही, वही भीख मांगना शुरू करेंगे, ओम जय जगदीश। भक्त जनों के संकट, वही भीख मांगते रहेंगे, क्या नहीं दिया भगवान ने हमको, इतना सुंदर देह है, इस देह को टिकाने के लिए भोजन पानी सब कुछ दिया, अरे भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु मेरी जितनी हैसियत थी, मेरी जितनी योग्यता थी, उससे कोटि गुना ज्यादा आपने मुझे दे दिया, आपका धन्यवाद है। इस प्रकार धन्यवाद, क्योंकि भगवान बहुत दयालु है। अतः गोस्वामी जी कहते हैं, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, परम दयालु भगवान। एक संत तो बहुत सुंदर कहते हैं कि जिस दिन से मुझे पता चला है कि भगवान दीन दयाल है, भगवान का एक नाम दीन दयाल है, उस दिन से मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया। संसार में बहुत चिंतित था, अपने घर परिवार की चिंता करता था और उसमें समाज की चिंता बहुत सताती थी, समाज वाले मुझ पर हंसते थे, लेकिन जिस दिन से पता चला है मेरे प्रभु का नाम दीन दयाल है उस दिन से चिंता छोड़ दी। क्यों? उन्होंने बहुत सुंदर पद लिखा, दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाई के जाऊं कहाई अब तेरे ही नाम की फैट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलोक नहीं कोई मन में दूजी जसी है, हे हो मुरारी पुकारी कहूं अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। हे प्रभु बस अब तो आपका आसरा लेकर बैठा हूं, चाहे सुख मिले दुख मिले, संसार के लोग मुझे यश दे या संसार के लोग मेरे पर गाली दे या मेरे पर हंसे, मैंने तो मेरा सब कुछ आपको अर्पण कर दिया है। यदि संसार के लोग मेरे पर हंसते भी हैं तो ये मेरी हंसी नहीं, ये आपकी हंसी है, अतः मैं निश्चिंत हूं। इस प्रकार दिनों के ऊपर कृपा करने वाले प्रभु कौशल्या के हृदय गर्भ से प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? कौशल्या हितकारी, कौशल्या जैसे अनेक माताओं का हित करने के लिए, वैसे तो यहां कौशल्या हितकारी, कौशल्या का हित करने के लिए प्रकट हुए,
परंतु उपलक्षण से कौशल्या जैसा जितनी माताओं का स्वभाव है, जितनी माताएं भगवान को अपना पुत्र मानती हैं, उन सभी माताओं का हित करने के लिए आज ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हो गए, अपना वात्सल्य सुख प्रदान करने के लिए, एक बालक बनकर मां को वात्सल्य का आनंद देने के लिए। मुनि मन हारी, ये भगवान जो प्रकट हुए हैं ना, मुनियों के मन को हरने वाले हैं। बड़े बड़े मुनि संसार की समस्त आसक्तियों से मुक्त हो गए, अपनी पत्नी की आसक्ति से, पुत्र की आसक्ति से, धन की आसक्ति से, समाज की, देश की, भोजन की, सभी आसक्तियों से मुक्त हो गए, परंतु भगवान की आसक्ति से मुक्त नहीं हो सकते हैं। जिन मुनियों को यह संसार फीका लगने लगता है, भगवान को देखकर वह मुनि भी सब कुछ छोड़कर उस भगवान के पीछे लट्टू हो जाते हैं। और इसके ज्वलंत प्रमाण श्री सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी परम मुनि, जिन्होंने गर्भ में ही अमर कथा का श्रवण कर लिया, और जैसे ही जन्म हुआ, जन्म लेते ही अपना घर बार माता पिता सब कुछ छोड़कर वन में चले गए, और वन में जाकर ब्रह्म समाधि में लीन हो गए। संसार के समस्त दुखों से परे होकर ब्रह्मानंद का आनंद लूटने लगे। लेकिन ऐसे ब्रह्मानंद का आनंद लेने वाले सुखदेव गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुना, उनकी समाधि टूट गई। बड़े बड़े मुनियों की समाधि टूट जाती है, और इसमें भी हमारे कृष्ण जब बांसुरी बजा लेते हैं, वैसे जब मुनियों के सामने खड़े हो जाते हैं, तब तो मुनियों के ध्यान भंग हो जाते हैं, और उसमें भी बांसुरी बजा ले। सुरदास जी ने लिखा है ना, बांसुरी बजाए आज नंद को मुरारी। नंद नंदन श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं, तो बांसुरी की नाद इस ब्रह्मांड को भेद कर ब्रह्म लोक में चली जाती है। वेद पढ़त भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी, जो नित्य निरंतर तीनों काल में ब्रह्मा जी अपने चतुर्मुख चारों मुखों से वेद पढ़ते रहते हैं, कृष्ण की बांसुरी को सुनकर ब्रह्मा जी वेद पढ़ना भूल गए। बड़े बड़े ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए मंत्रों को याद करते थे, लेकिन बांसुरी की नाद को सुनकर मंत्र मुग्ध हो गए, मंत्र भूल गए। शिव जी, आपने सुना ना, कल हजारों वर्ष तक समाधि लगाकर बैठे हैं, बांसुरी की नाद को सुनकर शिव जी की समाधि टूट जाती है। विचार कीजिए, जब कृष्ण की बांसुरी इतना उत्पात मचा देती है, इतना ही नहीं, सूरदास जी कहते हैं इस संसार में कृष्ण की बांसुरी का नाद जहां चला गया, वहां जड़ चैतन्य हो जाता है। पत्थर जन्म से जड़ होते हैं, लेकिन बांसुरी का नाद सुनकर भक्तों पत्थर भी पिघल जाता है, पत्थर भी चेतन हो जाता है, प्रकृति पलट जाती है, चेतन वस्तु जड़ हो जाती है, नदी में खलखल बहने वाला जल पत्थर की तरह रुक जाता है। अब जब कृष्ण की बांसुरी इतना उत्पात मचा देती है, साक्षात कृष्ण जिसके सामने प्रकट हो जाते हैं, वे कृष्ण को प्राप्त किए बिना रह नहीं सकते हैं। और उसी कृष्ण के लिए न जाने कितने साधुओं ने अपने घर छोड़ दिए, कितने लोगों ने अपने सिर का मुंडन करा दिया है। आज भी आप देखोगे, जिन जिन लोगों ने कृष्ण की सुंदरता का अनुभव किया है भक्तों, उन लोगों ने संसार को छोड़ दिया है। हम लोग आज संसार में तब तक हैं जब तक भगवान के विषय में पूर्ण रूप से जानते नहीं हैं। जिस दिन भगवान के विषय में हमको पूर्ण ज्ञान हो गया, संसार में रह नहीं सकते हैं। संसार में इसलिए रहे हैं क्योंकि भगवान के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं है। एक संत ने तो यहां तक कह दिया, संसार में रहना चाहते हो तो कथा कभी मत सुनना। संसार में रहना है, पत्नी और बच्चों में ही आसक्त रहना है, कथा में कभी मत जाना।
क्योंकि एक बार भी अपने कानों से कृष्ण और राम के विषय में सुन लिया ना, तो फिर जीवन में राम और कृष्ण के बिना जी नहीं पाओगे, रह नहीं पाओगे। और गोपियों ने तो गाते हुए कह दिया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मशापहम। हे कृष्ण, तव कथामृतम। हम लोग हमारे परिवार में सुखी होकर जीती, हम हमारे पतियों के साथ, सास ससुर के साथ, बच्चों के साथ बड़े प्रेम से रह रही थी, लेकिन आज हम सब लोग मारी जा रही हैं, हम सब लोग मर रही हैं। इसका एक ही कारण है, तव कथा, तुम्हारी कथा, तुम्हारी कथा कृष्ण आज हमें मार रही है। तुम्हारी कथा सुनने के कारण आज हम लोग मर रही हैं, क्योंकि तुम्हारी कथा सुनकर आज हमें तुम्हारा दर्शन करने का मन हुआ है। और जब ऐसी स्थिति में आप हमें छोड़कर चले गए, हम हमारे देह को धारण नहीं कर सकते। तो भक्त, इस प्रकार भगवान के गुण रूप ऐसे हैं, मुनि मनहारी। गोस्वामी जी कहते हैं, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। कृष्ण के अद्भुत रूप को देखकर मुनियों के मन भी उन पर फिसल जाते हैं। आज वर्तमान युग में भी देखिए, बड़े बड़े लोग जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, वे भी अपनी संपत्ति को छोड़कर भगवान की भक्ति में लग गए। क्यों? क्योंकि भगवान के रूप को देख लिए। और यहां तक भगवान भी अपने धाम में बैठे बैठे सोचने लगे, बोले न जाने मुझ में ऐसा कौन सा रूप है। भक्तों, भगवान के भक्त भगवान के रूप का जितना आस्वादन करते हैं, उतना तो भगवान खुद भी नहीं कर सकते। भक्त को भगवान का दर्शन करने से जितना आनंद मिलता है, उतना भगवान को अपना दर्शन करने से आनंद नहीं मिलता। भगवान अपने धाम में बैठे बैठे सोचने लगे, यार ये जितने भी मुनि हैं, ऋषि हैं, अपना सब कुछ छोड़कर मुंडन करा के लाल कपड़े पहनकर मंदिर में बैठ गए और मुझे ही देखते रहते हैं। गोपियां अपने घर को छोड़कर चली आती हैं, आखिर कारण क्या है, आखिर मेरे में ऐसी कौन सी सुंदरता है और मेरी सुंदरता में ऐसा कैसा सुख है जिससे ये सब लोग अपना घर बार धन संपत्ति सब कुछ छोड़ रहे हैं। भगवान को भी लोभ हो गया कि मैं भी मेरी सुंदरता का आस्वादन करूं, क्योंकि भगवान अपनी सुंदरता का आस्वादन नहीं कर सकते। नंद भवन में आज भी आप गोकुल, महावन स्थित गोकुल में जाओगे तो नंद भवन में 84 खंभे हैं। उन दिनों ये खंभे सोने और मणि के बने हुए होते थे। कृष्ण जब बहुत छोटे थे, एक दिन की बात, कृष्ण माखन चोरी का ओपनिंग कर रहे थे, थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे। बोले दूसरों के घर पे जाकर चोरी करनी है तो पहले घर पर ही प्रैक्टिस कर लो, नेट प्रैक्टिस। तो कृष्ण अपने घर पर माखन की चोरी की। जैसे ही हाथ में माखन की चोरी करके जा रहे थे, उसी समय उस 84 खंभे के पीछे, एक खंभे के पीछे एक बालक का दर्शन हुआ। कृष्ण डर गए और कृष्ण ने दूर से कहा, अब वास्तव में वो कोई बालक नहीं था, वो कृष्ण का प्रतिबिंब था, कांच में कृष्ण का ही प्रतिबिंब था, लेकिन कृष्ण अपने रूप को समझ नहीं पाए। कह दिया चुप, तो वो बालक भी अपने मुंह पर हाथ रख दिया। कृष्ण ने कहा, समझदार लड़का है, मैंने चुप कराया तो चुप हो गया। कृष्ण उनके निकट गए, तो आप देखोगे, आप मिरर के सामने निकट जाओगे तो प्रतिबिंब निकट आता है। बोले बालक समझदार है, मैं जितना चल रहा हूं वो भी उतना चल रहा है। कृष्ण ने कहा, देखो ये नेट प्रैक्टिस है, ये ओपनिंग है, और मैया को मत बताना। अब वो प्रतिबिंब क्या बोलेगा, प्रतिबिंब तो खड़ा रहा। बोले मैया को मत बताना,
प्रतिबिंब कुछ नहीं बोला। तब कृष्ण ने मन में सोचा, लगता है इसको भी माखन खाना है। कृष्ण ने कहा, ठीक है 50% पार्टनरशिप आपकी और 50% मेरी, आधा माखन तुम्हारा आधा मेरा। फिर भी वो बालक खड़ा रहा, कुछ नहीं बोले। तब कृष्ण ने कहा, एक काम करो 80% तुम रख लेना, 20 मैं रख लूंगा, लेकिन मैया को मत बताना, गड़बड़ हो जाएगी। फिर भी वो बालक चुप रहा। तब कृष्ण ने सारा माखन का लौंदा दे दिया, बोले ये सारा माखन तुम रखो, मैया को मत बताना। फिर भी वो बालक कुछ नहीं बोला। कृष्ण को क्रोध आया, बोले सारे कब का मैं तुझे मना रहा हूं और सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया, फिर भी नहीं मान रहा है, जा मैया को जाकर बताना है, बता दे मैं कोई मैया भैया से नहीं डरता। अपने ही प्रतिबिंब से, अपने ही स्वरूप से खेलते रहते थे। भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति है, समस्त ज्ञान और बुद्धि के निदान है, लेकिन भगवान भी अपनी सुंदरता का आस्वादन नहीं कर सकते। भगवान ने अपने धाम में बैठे बैठे सोचा, संसार के लोग मेरी सुंदरता को देखने के लिए, सुनने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाते हैं, आखिर मेरी सुंदरता में ऐसा क्या है। तब भगवान ने सोचा, भगवान बनकर मैं मेरी सुंदरता का आस्वादन नहीं कर पाऊंगा, भगवान बनकर मैं मेरी सुंदरता का सुख नहीं ले पाऊंगा। यदि मुझे मेरी सुंदरता का सुख लेना है तो मुझे भक्त बनना होगा, भक्त बनकर ही मैं मेरी सुंदरता का सुख ले सकता हूं। तब अपनी सुंदरता का आनंद लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हो गए। श्री राधाया प्रणय महिमा किदृशो वान ये वह, चैतन्य महाप्रभु का इस पृथ्वी पर आने का प्रथम कारण। आज से लगभग 528 वर्ष पूर्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव को लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, भक्त बनकर आए, और भक्त बनकर चैतन्य महाप्रभु ने अपने ही स्वरूप का, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का आस्वादन किया और जगत के लोगों को बताया किस प्रकार से भक्त बनकर हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो भक्तों मुनि मन हारी, भगवान का रूप ऐसा है, भगवान की लीला ऐसी है जिसे बड़े बड़े मुनियों का मन भी रमण करने लगता है। गोस्वामी जी राम स्तुति में बहुत सुंदर लिखते हैं, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। इति वदति, तुलसीदास कह रहा है क्या, ये जो भगवान श्री रामचंद्र है, शेष सनकादिक और शंकर जैसे वैरागी को भी हिलाकर रख देता है, शिव जी जो कामदेव को भी भस्मीभूत कर दिए, लेकिन ऐसे शिव जी ही भगवान के पीछे मोहित हो गए, यहां तक मोहित होकर भागने लगे भगवान को पकड़ने के लिए। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा, मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान श्री कृष्ण का रूप मुनियों को हरने वाला अद्भुत है, और उस रूप को देखकर हर्षित महतारी कौशल्या प्रसन्न हो गई। लोचन अभिरामा, कैसा रूप है, बहुत सुंदर, जगत के समस्त जीवों की नेत्रों को आनंद देने वाला, आनंद देने वाली आंखें हैं। तनु घनश्यामा, और जिस बालक का जन्म हुआ है उनका शरीर घनश्याम वर्ण का है, घने मेघ के समान। और भक्तों अद्भुत बात बताते हुए कहते हैं, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। इस बालक के दो हाथ नहीं, चार चार हाथ है, और प्रत्येक हाथ में एक एक आयुध है, शंख चक्र गदा और पद्म। ये चारों आयुधों को लेकर भगवान प्रकट हुए हैं। आज कुछ लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, यहां पर भगवान का जन्म हुआ चतुर्भुजा, और चारों भुजा में आयुध है, और शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं। आज जो लोग अपने आप को भगवान मानते हैं उसे कहना चाहिए, आप एक चित्रा लेकर भी जन्म लिए थे। अपने आप को भगवान मानना ये सबसे बड़ा अपराध है।
भगवान ये हैं, नयन विशाला, जिसके नयन बहुत विशाल हैं। भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो, इनके नयन जो है कान तक पहुंच जाते हैं, बहुत बड़े हैं। नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, शोभा के सिंधु है, सुंदरता के सागर है। और गोस्वामी जी ने ऐलान किया, खरारी खर दूषण जैसे असुरों का वध करने वाले, सुंदरता के साथ साथ बलवान भी है। इस संसार में कुछ लोग सुंदर होते हैं लेकिन बल कुछ नहीं होता है, कुछ लोगों में बल बहुत होता है तो सुंदरता नहीं होती है, लेकिन ये जो जिसका जन्म हुआ है ये सुंदर भी है और बलवान भी है। और भगवान को देखते हुए गोस्वामी जी आगे कहते हैं, जब भगवान का प्राकट्य हुआ, शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर कौस्तुभ मणि, तब कौशल्या जी से रहा नहीं गया, बोले ये तो बालक नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। इसलिए कौशल्या दोनों हाथ जोड़कर भगवान को स्तुति करने लगी। कह दुई कर जोरी अस्तुति। भगवान के अद्भुत स्वरूप को देखकर देवी कौशल्या दोनों हाथ जोड़ ली। भगवान के सामने और क्या बचता है, क्या दे सकते हैं, दोनों हाथ जोड़ लिया और अपने मुख से स्तुति करने लगी। अब कौशल्या को भगवान की स्तुति करनी है, परंतु सहसा भगवान प्रकट हुए हैं, मुंह से कोई वचन नहीं निकले जा रहे हैं। कौशल्या ने कहा, प्रभु आप अनंत हो, कई विधि करो अनंता, अनंत भगवान की स्तुति कौन कर सकता है। अनंत शेष जिसके अनंत मुख है, अनंत शेष अपने अनंत मुखों से अनंत काल से भगवान अनंत के गुणगान गा रहे हैं, लेकिन आज तक शेष नहीं कर पाए, आज तक एक प्रतिशत भी गा नहीं पाए। कविगण कहते हैं, इस पृथ्वी को का कागज किया जाए, ये हो नहीं सकता है, लेकिन कवि की एक कल्पना है कि सारी पृथ्वी को एक मशीन में डाला जाए और उसका कागज बनाया जाए, और इस पृथ्वी में जितने जितने बड़े बड़े वृक्ष हैं, वटवृक्ष, उनकी कलम बनाई जाए, और समुद्र की सिलाही बनाई जाए, और फिर लिखने के लिए गणेश, सरस्वती, वेदव्यास आदि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बिठाया जाए। कहते हैं ये ऋषि मुनि थक जाएंगे, समुद्र की ही सिलाई समाप्त हो जाएगी, पृथ्वी से बना हुआ कागज समाप्त हो जाएगा, परंतु भगवान के गुण का, भगवान के रूप और लीला का एक प्रतिशत भी वर्णन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान अनंत है। हे प्रभु आप अनंत हो, आप अनंत की मैं कैसे स्तुति करूं। लेकिन प्रभु इतना तो जानती हूं कि आप माया से, गुण से और ज्ञान से अतीत हो। यद्यपि माया आपकी शक्ति है, परंतु आप कभी भी माया में फंस नहीं सकते हो, आप सदैव माया से मुक्त हो, और आप सदैव माया के तीनों गुण सत्व रजस और तमस से मुक्त हो, आप शुद्ध सत्वों में स्थित हो, और इस संसार के कोरे ज्ञान से
आपको प्राप्त नहीं किया जा सकता है प्रभु, आपको तो मात्र भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। यही बात देवी कुंती ने भगवान कृष्ण को कहा, हे कृष्ण, इस संसार में बड़े बड़े लोग आपको नहीं जान सकते हैं, तथा परम हंसा नाम, बड़े बड़े परम हंस जो सत असत का भेद जानते हैं, मुनि नाम जो रात दिन भगवान के विषय में मनन करते हैं, अमल आत्म नाम जो समस्त दोषों से मुक्त हो चुके हैं, ये बड़े बड़े लोग भी आपको नहीं जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो मात्र भक्ति योग से ही समझ में आते हैं। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। मानो भगवान कौशल्या जी को कहे, आपने इस ये ज्ञान कहां से प्राप्त कर लिया? देवी कौशल्या कहती है, प्रभु ऐसा वेद और पुराणों में लिखा है। देखिए यहां पर बहुत सुंदर बात है, संसार में हमें कुछ भी बोलना हो, कुछ भी जानना हो, तो इसका प्रमाण है वेद और पुराण। फलानी किताब में ये लिखा है, फलाने भाई ऐसा कहते हैं, ये प्रमाण नहीं है। श्रीमद भागवत प्रमाण ममलम, चार वेद, 17-18 पुराण, वेद व्यास जी के द्वारा रचित ये जो शास्त्र है, ये है परम प्रमाण। और उस प्रमाण में भी सबसे श्रेष्ठ प्रमाण श्रीमद भागवतम। प्रभु ऐसा शास्त्रों में लिखा है, अतः आप इस पृथ्वी पर करुणा के सागर हो, सभी गुणों के आगर हो, और आपके गुणों को श्रुति वेद शास्त्र इत्यादि गाते रहते हैं, ऐसे परम महिमा में प्रभु आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हो, आज मैं धन्याति धन्य हो गई। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे मम सुर सोहासी, यह उपहासी सुनत धीर मति तिर न रहे उपजाल बज्ञाना, प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कही कथा सुहाई, मातु बुझाई जे निरकार सुत प्रेम। कौशल्या जी कहती हैं, आप साधारण बालक नहीं जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, वेदों में लिखा है आपके रोम रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके रोम रोम से प्रकट होते हैं, वे भगवान आज मेरे गर्भ से प्रकट हुए हैं। ये बात जब संसार के लोगों को पता चलेगी, संसार के लोग मुझ पर हंसेंगे, प्रभु मुझ पर हंसेंगे। अतः प्रभु मैं आपके चरणों में दोनों हाथ जोड़कर विनंती करती हूं, आप अपने इस रूप को छिपा लीजिए। कौशल्या जी के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं उस भय को दूर करने के लिए भगवान ने कौशल्या को ज्ञान प्रदान किया। बोले माते, मैं साक्षात भगवान आपका पुत्र बनकर आया हूं, क्योंकि आपने मेरे लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी। पूर्व जन्मों में आप मनु और शत्रुपा थे, आप शत्रुपा थे, आपके पति मनु थे, और आपके पति को वैराग्य हुआ, वैराग्य लेकर वन में चले गए, हजारों वर्ष तक तपस्या की, मैं प्रकट हो गया, और जब मैंने आपसे पूछा आपको क्या चाहिए, तब आपने कहा हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, मैंने आपको तथास्तु कह दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे जैसा पुत्र इस संसार में और कोई नहीं है, क्योंकि उपनिषद कहती है
एको एव अद्वितीय, भगवान एक ही है, ऐसा दूसरा और कोई नहीं, मेरे जैसा इस संसार में दूसरा और कोई नहीं, और मैं मेरे वरदान से मजबूर था, अतः हे माते मैं स्वयं भगवान आपका पुत्र बनकर इस कक्ष में आपके गर्भ से प्रकट हो गया। लेकिन अब कौशल्या कह रही है, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा है तात। हे प्रभु, अब मैं आपके चरणों में विनंती कर रही हूं, आप इस रूप को त्याग दीजिए, क्योंकि इस रूप को मैं कैसे संभालूंगी, और प्रभु मैं तो वात्सल्य भाव की उपासक हूं, मुझे तो आपके साथ प्रेम करना है, इस रूप के साथ मैं कैसे प्रेम करूंगी, आप अपना ये ऐश्वर्यमय रूप छिपा लीजिए और माधुर्य मंडित जैसे जिससे वात्सल्य भाव का रसास्वादन कर सकूं ऐसा रूप प्रकट कीजिए, मैं आपके इस रूप को, इस रूप का लालन पालन नहीं कर सकती हूं, प्रभु मुझे तो आपका लालन पालन करना है, मुझे तो आपको भोजन कराना है, आपको स्नान कराना है। वास्तव में वो मां धन्य है जो भगवान को अपना पुत्र मानती है। भक्तों, भगवान इसीलिए इस पृथ्वी पर आते हैं, ये असुरों को मारना, धर्म की स्थापना, ये सब भगवान का अवतार लेना ये गौण कारण है। इस पृथ्वी में पर आने का भगवान का मुख्य कारण संसार के लोग मुझसे प्रेम करें, संसार के लोग मुझे अपना पुत्र समझे, अपना मित्र समझे, अपना प्रियतम समझे। माता यदि पुत्र भावे करे न पालन, अति दीन ज्ञान करे लालन पालन। मात्रा पुत्र भाव से मेरा लालन पालन करती है तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूं, भगवान बहुत खुश होते हैं जब हम भगवान का लालन पालन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। यमुना जल मां के सर घोड़े स्नान कराऊं श्याम रा, यमुना जल मां के सर घोड़े स्नान कराऊं श्याम। एक दिन हमारे भारत में ऐसा था, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगकर समस्त नारियां, समस्त स्त्रियां, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे कृष्ण हो, राम हो, उनको अपना पुत्र मानकर रोज सुबह उनका लालन पालन करते, उन्हें स्नान कराते। हल्के हाथे अंगो छोड़े लाड लड़ाऊं श्याम, मेरे लाला को, मेरे पुत्र को चोट न आ जाए, इसलिए बहुत नरम हाथों से, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से दुलार करते हुए मैं उनको स्नान कराऊं। यमुना के जल में, केसर युक्त सुगंधी जल में बहुत नरम हाथों से मैं स्नान कराऊंगी, जिसे उसे चोट ना। भारतवर्ष में एक दिन ऐसा था, समस्त भक्तगण भगवान को साधारण मूर्ति नहीं समझते थे, साक्षात भगवान का स्वरूप समझते थे। वस्त्रो यंगे लूचिया पू पीड़ु पीतांबर श्याम, कड़िया तुझे मार मार आइए सब लोग, मुना जल मा के सर हो स्नान करा, मुना जड़ मां के सर भोरी स्नान करा।
आप मुझ पर कृपा करें और इस ऐश्वर्यमयी स्वरूप को त्याग दीजिए और एक बालक बन जाइए और मैं आपका लालन पालन कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जैसे ही सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, जैसे ही कौशल्या ने कहा कि प्रभु आप अपना ऐश्वर्यमय रूप त्याग दीजिए और नन्हे से बालक बन जाइए, यह वचन सुनकर अपने भक्त के वचन पर प्रसन्न होकर सुनी वचन सुदाना रोदन ठाना, तुरंत चतुर्भुज भगवान द्विभुज हो गए, छोटे से बालक बनकर जोर जोर से रोने लगे। बालक बन गए, अपने भक्त के अनुग्रह से भगवान भी बालक बन गए, रोने लगे। और जैसे ही भगवान के रोने की आवाज आई, कौशल्यानी जी ने यह भी मांगा, प्रभु आप मुझे ये जो स्वरूप की विस्मृति दे दीजिए ताकि मैं आपको कभी भगवान न समझूं। यदि ये भाव आ गया आप भगवान हो तो मैं आपका लालन पालन नहीं कर पाऊंगी। विस्मृति हुई और प्रभु रोने लगे। आजू बाजू में जितनी भी सखियां थी, दासियां थी, सभी दासियां सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। सब लोग संभ्रमित होकर, क्या हुआ, कैसा पुत्र होगा, कब होगा, कैसा, किस प्रकार से होगा, संभ्रमित होकर दौड़ती हुई कौशल्या जी के कक्ष में आई। और कौशल्या जी के कक्ष में आकर देखा तो एक अद्भुत बालक प्रकट हो चुका था। हर्षित जह तह दाई दासी, सब लोग हर्षित हो गए, सबके हृदय में आनंद हुआ और सभी दासियों में होड़ लगी, ये बात मैं पहले दशरथ को बताऊंगी, मैं पहले दशरथ, राजा दशरथ तो कहीं और दूर बैठे हैं, उनको कुछ नहीं पता है, वो अपने काम में व्यस्त हैं। और दासियां दौड़ती हुई गई और एक दासी ने हाँफते हुए दशरथ जी को बताया, महाराज महाराज आपकी बड़ी पत्नी कौशल्या जी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। राजा दशरथ, मेरे जीवन का इतना लंबा समय बीत गया और आज मेरे वहां बालक का जन्म हुआ है। यह सुनकर राजा दशरथ कूद गए, नाचने लगे और दौड़ते हुए राजा दशरथ अपनी पत्नी के पास आए। गोस्वामी जी लिखते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजाव। परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजाव। राजा दशरथ परम प्रसन्न हो गए, नाचते हुए गाते हुए, आज मेरे घर पर पुत्र का जन्म। उतने में दूसरी रानी आई, महाराज सुमित्रा ने दो दो बालक को जन्म दिया है। राजा दशरथ और नाचने लगे। तब तक तीसरी रानी आई, कैकेयी ने भी जन्म दिया है, आज मेरे घर पर चार चार पुत्र का जन्म। राजा दशरथ ने कहा, ब्राह्मणों को बुलाओ, बाजा बजाने वाले को बुलाओ, स्वस्ति वाचन कराओ, गायों का दान करो। परम प्रसन्न और परम प्रसन्न चित होकर राजा दशरथ आज भगवान का स्मरण करने लगे। और राजा दशरथ जी के मन में यह विचार आया, जिस भगवान का नाम लेकर, जिस भगवान का नाम लेकर पूरे संसार का उद्धार हो जाता है, वह भगवान, वह ईश्वर आज मेरा पुत्र बनकर मेरे घर पर जन्म लिया है, आज मैं परम प्रसन्न हो गया। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता।
वास्तविक जन्म हुआ है, क्योंकि जब तक दशरथ महाराज को पता न चले तब तक भगवान का जन्म नहीं माना जाता है। राजा दशरथ परम प्रसन्न हुए और भक्तों आज अयोध्या में इतना आनंद छा गया, इतना आनंद छा गया, सूर्य भी अस्त होना भूल गया, क्योंकि सूर्य ने देखा आज सूर्य वंश में साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं, आज मैं भी यहां से नहीं हिलूंगा। गोस्वामी जी लिखते हैं है? कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जातन जाना। 12 घंटे में जो सूर्य अस्त हो जाता है वह सूर्य 1 महीने तक आकाश में खड़ा रहा, मैं नहीं हिलूंगा क्योंकि मैं प्रभु का दर्शन करूंगा। और भक्तों अयोध्या में रहने वाले समस्त लोग इतने सुख का आस्वादन किए, 1 महीना कैसे बीत गया किसी को पता नहीं चला, परम सुख परम आनंद, सब लोग प्रभु का दर्शन करने के लिए आए। शिवजी पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, पार्वती उस समय मैं भी गया था, मैंने भी एक चोरी की थी। बोले प्रभु आपने चोरी? बोले हाँ। काग भूषणी संग संग हम दो मनुज रूप जा नहीं नहीं को। देवी मैं कैलाश से और काग भूषणी जी मानसरोवर से, हम दोनों प्रभु का दर्शन करने के लिए गए और हमने चोरी से मनुष्य का रूप धारण कर लिया। मनुष्य बनकर जब राजा दशरथ के घर पर गए और कौशल्या जी को कहा कि हमें आपके लाला का दर्शन करना है, बोले मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, आपकी नजर लग जाएगी। बार बार हमने निवेदन किया लेकिन फिर भी दर्शन नहीं करने दिया। तब मैं और काकभूषणी जी दोनों निराश होकर सरयू किनारे पर आकर बैठ गए और युक्ति सोचने लगे, अब क्या करें, प्रभु का दर्शन करने के लिए कोई उपाय? तब हम दोनों ने उपाय किया, मैं बना गुरु और वो बने चेला। हम दोनों गुरु चेला बन गए और भगवान के विरह में दोनों दुखी थे। भक्तों भक्त को भगवान का दर्शन करने की जितनी लालसा होती है उससे कोटि गुना ज्यादा भगवान को भक्त के दर्शन की लालसा होती है। शिवजी और काकभूषणी चले गए, उनको देखकर प्रभु रोने लगे, रोना बंद नहीं किए, खिलौने दिए गए, दूध पिलाया गया। तब किसी सखी ने कहा, रानी जू आपके पुत्र को किसी की नजर लग गई है। बोले तो कोई नजर उतारने वाला किसी को बुलाकर लाओ। ये दोनों सरयू के तट पर गुरु चले बैठे थे नजर उतारने के लिए। बोल जमुरे। हाँ गुरुजी। दोनों बैठे थे यहां पर, आई, आप लोग नजर उतारना जानते? बोले हाँ। काकभूषण जी तो एडवर्टाइजमेंट करने लगे, हमारे गुरुजी ने हजारों लोगों की नजर उतारी है और एक बार जिसकी उतार देते फिर वो उतर ही जाता है। बोले चलो चलो। हमारे घर पर कौशल्या के नंदन को नजर लग गई है, लेकर गए। बोले नजर उतारने के लिए बालक को हमारे हाथ में देना होगा। बालक को लाया गया, शिवजी ने उस बालक को अपने हाथ में लिया। काकभूषण जी को इशारा किया, महाराज इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा, इनके चरणों में अपना मस्तक टिका दो। कौशल्या आदि ने पूछा क्या करो? बोले नजर उतार रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, साइड में रहो सब लोग। बिल्कुल मसल मसल कर अपना भगवान का चरण कमल अपने मस्तक पर रखा और शिव जी ने भगवान को ऊपर उठाया, अपने मस्तक पर अपनी जटा में भगवान के चरण को स्पर्श कराया। आज प्रभु के चरण को अपने मस्तक पर स्पर्श करा के शिव जी धन्याति धन्य हो गए। मन में यही भाव आया कि जिस भगवान के चरणों से स्पर्श होने वाली गंगा मेरे मस्तक पर आई तो मैं इतना विख्यात हो गया, आज साक्षात भगवान का चरण मेरे मस्तक पर आया है, आज तो मैं धन्याति धन्य हो गया। इस प्रकार देवी हमने भी प्रभु का दर्शन किया और मैं तो दर्शन करके वापस आ गया। काकभूषणी जी वहीं पर रुक गए,
पांच साल तक वहीं पर रहे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे दिन बीतने लगे और अब नामकरण संस्कार का दिन करीब आया। राजा दशरथ जी के मन में इच्छा हुई, अब कब तक लाला बेटा पुत्र कह के बुलाएंगे, कुछ नाम होना चाहिए। भक्तो, इस जगत में बिना नाम के काम नहीं चलता है। आज तो लोग कुत्ते के भी नाम रख लेते हैं, पशु पक्षियों के भी नाम रखते हैं, पर भगवान का नामकरण ना हो, नाम होना चाहिए। राजा दशरथ जी के हृदय में इच्छा हुई नामकरण हो, और माता पिता के हृदय में बहुत इच्छा होती है हमारे पुत्र का नामकरण हो, बहुत उत्साह होता है। राजा दशरथ जी ने एक दिन की बात वशिष्ठ जी को बुलाया और वशिष्ठ जी का स्वागत किया। कहा, महाराज आज आप हमारे पुत्रों का नामकरण कीजिए। भक्तों, वैसे तो भगवान का नामकरण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान का अवतार होता है वैसे ही भगवान के नाम का भी अवतार होता है। ऐसा नहीं कि भगवान का नाम वशिष्ठ जी ने रखा तब से भगवान का नाम राम हुआ, उसके पहले राम नाम नहीं था, नहीं। जैसे भगवान अवतार लेते हैं वैसे नाम का भी अवतार, जैसे भगवान सनातन है वैसे भगवान के नाम भी सनातन है। बस लीला के अनुसार, लीला के रूप में वे नाम प्रकट होते हैं अप्रकट होते हैं। सर्वप्रथम राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को वशिष्ठ जी के हाथ में दिया और हाथ में देकर कहा, प्रभु सबसे पहले बड़े पुत्र का नामकरण कीजिए। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, ये आपका बालक समस्त आनंद का निधान है, आपका बालक समस्त आनंद का सागर है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सिकरते त्रिलोक त्रिलोक पुरास। तीनों लोक में रहने वाले समस्त जीवों को आपका यह बालक आनंद प्रदान करेगा, इसलिए आज से मैं आपके बालक का नाम राम रखता हूं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम का अर्थ होता है रमयति इति राम, जो अपनी लीला से अपने अपने कृत्य से लोगों को आनंद प्रदान करे। तत्पश्चात दूसरे बालक को रखा गया हाथ में, कहा, ये आपका दूसरा बालक विश्व भरण पोषण कर जोई, पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा, विश्व का भरण पोषण करने में समर्थ होगा, अतः ताकर नाम भरत अस सोई, आपके दूसरे पुत्र का नाम मैं भरत रख रहा हूं। श्री भरत जी की जय। और आपका यह तीसरा पुत्र जाके सुमिरन जे रिपुनासा, आपके इस तीसरे पुत्र का स्मरण करने मात्र से शत्रु का विनाश हो जाएगा, आपका ये तीसरा पुत्र शत्रुओं का विनाश करने वाला होगा, इसलिए तीसरे पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रख रहा हूं। श्री शत्रुघ्न महाराज की। और फिर चौथे पुत्र को वशिष्ठ जी के हाथ में दिया गया, लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, आपका ये चौथा पुत्र पूरे ब्रह्मांड का आधार है, पूरे ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर लेकर रखा है, और ये अनेकों लक्षण से युक्त आपके इस चौथे पुत्र में समस्त भक्ति के लक्षण हो गए, इसलिए चौथे पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रख रहा हूं। लक्ष्मण जी की जय। इस प्रकार चारों पुत्रों का नामकरण किया गया। गोस्वामी जी बहुत सुंदर बाल्य लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं, एक दिन की बात, परम व्यापक पर ब्रह्म निरंजन माया से मुक्त निर्गुण जो समस्त तीनों गुणों से परे, ऐसे भगवान को कौशल्या जी ने एक बार अपने हृदय स्तन का दूध पान कराया। क्या भाग्य होगा वह मां का जिससे साक्षात भगवान दूध पान कर रहे हैं। भक्तों, परीक्षित महाराज के आंखों में आंसू आ गए। सुखदेव गोस्वामी को पूछ दिया, यशोदाच महाभागा, यशोदा ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसकी गोद में भगवान श्री कृष्ण खेलते रहे, उनके स्तन के दूध का पान करते रहे।
आज यशोदा धन्य बनी है, साक्षात भगवान को दूध पान कराया और एक कक्ष में जाकर पालने में जाकर सुला दिया, राम को सुला दिया और कौशल्या रसोई घर में गई और बहुत सुंदर भगवान के लिए भोजन बनाया, भगवान माने वहां के विग्रह के लिए बहुत सुंदर व्यंजन बनाकर भगवान के मंदिर में वह व्यंजन अर्पित किए और भगवान के मंदिर में व्यंजन अर्पित करके पट बंद कर दिए और फिर से यशोदा रसोई घर में चली गई। एक कमरे में उनके पुत्र राम पालने में सो रहे हैं, दूसरे कमरे में भगवान का मंदिर है जहां पर भगवान भोजन, भगवान को भोग चढ़ाया गया है और रसोई घर में यशोदा मैया, कौशल्या मैया भोग बना रही है। 5 मिनट भगवान को भोग लगाने के बाद रसोई घर से फिर से जब कौशल्या जी वहां पर गई तो कौशल्या ने अद्भुत दृश्य देखा। दृश्य क्या था? जो भोग कौशल्या जी ने उस मूर्ति के लिए, विग्रह के लिए बनाया था और विग्रह के सामने रखा था, उस भोग की थाली को लेकर भगवान रामचंद्र उसको भोजन अपने मुख में ग्रहण कर रहे थे। यशोदा कौशल्या जी तो चकित हो गई, बोले राम को तो मैं पालने में सुलाकर आई हूं, यहां पर ये कैसे आ गया? यशोदा तुरंत उस कक्ष में जाकर, पालने में जाकर देखा तो प्रभु सो रहे हैं, दौड़कर यहां पर आई तो प्रभु भोजन कर रहे हैं, वहां जाकर देखी तो प्रभु सो रहे हैं, यहां भोजन कर रहे हैं। यशोदा को चक्कर आने लगे, बोले ये क्या हो रहा है? और उस समय गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र ने यशोदा को ब्रह्मांड का, विश्व रूप का दर्शन कराया। जैसे माटी खाने के बाद यशोदा ने कृष्ण को कहा, कृष्ण सच सच बताओ तुमने माटी खाई? कृष्ण ने कहा, नाहम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब हे माँ अहम न भक्षितवान, मैंने माटी नहीं खाई। तो बोले ये सब तेरे मित्र सखा सब झूठ बोल रहे हैं। बोले सर्वे मिथ्याभिसंशी न, ये सब लोग झूठे हैं। यशोदा ने कहा, अच्छा ये सब झूठे हैं और तू ही हरिश्चंद्र का पुत्र बनकर आया है? बोले ये तेरा बड़ा भाई, तेरा बड़ा भाई भी झूठ बोल? बोले ये तो सबसे बड़ा झूठा है। खैर कथा तो बहुत लंबी है, परंतु कृष्ण ने कहा मैंने माटी नहीं खाई। कहते यदि सत्यस गिरह तरही व्यादे की, कृष्ण ने कहा यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मेरे मुख में देख लो। जब यशोदा ने कृष्ण के मुख को देखा, अनंत अनंत ब्रह्मांड का दर्शन, उस ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मांड, उसमें एक एशिया खंड, भारतवर्ष, ब्रज 84 कोस, गोकुल, और उस गोकुल में एक कृष्ण और यशोदा का दर्शन करके यशोदा मूर्छित होकर गिर गई। जो यशोदा हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण को दंड देने के लिए आई थी, कृष्ण के ऐश्वर्य को देखकर मूर्छित होकर गिर गई और यहाँ पर कौशल्या जी गिर गई। इस प्रकार भगवान ने बहुत सुंदर अपना ऐश्वर्य प्रकट किया, परंतु वात्सल्य भाव इतना कड़ा था, इतना प्रगाढ़ था, उस वात्सल्य भाव के कारण भगवान का ऐश्वर्य भूल जाती थी और रोज यशोदा के घर पर बड़े बड़े साधु संत महात्मा आते थे, संतों की जमात लगी रहती थी। यशोदा जी प्रश्न पूछती थी, अरे जब हमारे घर पर कोई संतान नहीं था, पुत्र नहीं था, तब आपको ढूंढना पड़ता था, जब भंडारा करना होता था तो आपके पास आकर ढूंढ ढूंढ कर बुलाया जाता था, और आज बिना बुलाए आप लोग हमारे घर पर क्यों आ रहे हो? ऐसा क्या हो गया है आप सब लोग हजारों की मात्रा में हमारे घर पर? तब उन संतों ने कहा, देवी हम क्या बताए, हमारा जीवन चला गया अलख निरंजन करते हुए, हमारा जीवन चला गया निराकार ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते करते, परंतु हम लोग को आज तक सुख नहीं मिला, और जब हमने आपके लाला का दर्शन किया हमको जगत का सारा दुख प्राप्त हो गया, जगत भूल गए, अब तो हमें ऐसा हो रहा है कि हम आपके महल का पत्थर बनकर यहीं पर पड़े रहे और आपके लाला का निरंतर दर्शन करते रहे, हमें आपका घर छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसोर ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि हे प्रभु, मरने के बाद
यदि मुझे मनुष्य बनाना हो तो आपके धाम का मनुष्य बनाना, पशु बनाना हो तो नंद बाबा की 84 गाय के बीच में एक छोटी सी गाय बना देना, और पत्थर बनाना हो तो गिरिराज गोवर्धन की तलेटी का एक छोटा सा पत्थर बना देना, कृष्ण आएंगे मैं उनका निरंतर दर्शन करता रहूंगा। तो इस प्रकार जो आनंद भगवान के रूप में है वह आनंद निराकार ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति अलख इत्यादि में नहीं है। अतः भगवान का रूप परम सुंदर और बड़े बड़े मुनियों को के मन को हरने वाला। इस प्रकार गोस्वामी जी और एक बहुत सुंदर लीला का तत्व निरूपण करते हुए कहते हैं, भगवान को भोजन करने की लीला। एक समय की बात, राजा दशरथ कौशल्या जी के पास आए, बोले भूख लगी है। तब कौशल्या जी ने कहा, जाओ पहले राम को बुलाकर लाओ, अब दोनों के लिए मैं भोजन बना रही हूं। भोजन करते बोल जब राजा, कौशल्या जी ने अपने पति दशरथ को कहा, जाओ राम को बुलाकर आओ और दोनों साथ में भोजन करो। तो पत्नी के कहने पर राजा दशरथ गए, भगवान राम बच्चों के साथ खेल रहे थे, और दशरथ जी गए राम चलो भोजन करने के लिए, ऐसा कहा होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। राजा दशरथ ने बुलाया, राम चलो भोजन करने के लिए आओ, भगवान श्री रामचंद्र नहीं आए। नहीं आवत तजी बाल समाजा, अपने बालकों को मित्रों को छोड़कर प्रभु नहीं आए, बोले हो ही नहीं सकता है। नदे साध जे नाथ जी साधल या जित संत, आपनु नाम हुलावता देनुई कान धरंत। गांव में जब कोई ग्वाला गैया चराने के लिए जाता है, हजारों की संख्या में गैया होती हैं, जब उसे वापस घर पर लेना होना होता है तब केवल अपनी बांसुरी से या अपने मुख से उस गाय का नाम बुलाते हैं, गंगा यमुना कारी धोरी। यह नाम सुनकर वह गाय अपने अपने मार्ग को पकड़ लेती हैं, अपने अपने घर चली जाती हैं। एक संत कहते हैं, जब इस सृष्टि का साधारण पशु है, एक साधारण पशु का नाम लिया जाए और बुलाया जाए तब भी वो हमारे पास आ जाता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति परब्रह्म को पुकारा जाए और वह हमारे पास न आए, ये कभी हो नहीं सकता है। परंतु आज दशरथ जी ने भगवान को बुलाया और भगवान नहीं आए, इसके पीछे कुछ कारण है। संतों ने इस गूढ़ रहस्य को उद्घृत किया है, इस गूढ़ रहस्य को बताया है कि दशरथ जी के बुलाने पर भगवान राम क्यों नहीं आए। भोजन करत बोल जब राजा, राजा ने भोजन करने के लिए जब बुलाया, नहीं आवत तजी बाल समाजा, भगवान श्री रामचंद्र नहीं आए, क्यों? कारण एक, पहला कारण, उस समय दशरथ जी पिता बनकर नहीं राजा बनकर पुकार रहे थे, थोड़े राजा के भाव में थे, और राजा जैसे अपनी प्रजा को बुलाते हैं वैसे बुला रहे थे। भगवान ने बताया, इस संसार में कोई व्यक्ति अपने पद प्रतिष्ठा के अभिमान से मुझे पुकारेगा, उनके पास जाने की बात तो दूर ही, मैं उनके सामने तक नहीं देखूंगा। अपनी लीला से दर्शन कराया, नहीं गए। भगवान को पुकारने के लिए अभिमान छोड़ना होगा, अपना पद छोड़ना होगा। इसलिए कई बार जब भागवत कथा होती है तो गेट के ऊपर लिखा होता है, आप अपने जूते पद और अहंकार सब कुछ यहीं पर छोड़कर ही अंदर जाओ, क्योंकि जूते के साथ साथ हमें हमारा अहंकार भी बाहर छोड़ना होगा, नहीं तो भगवान हमारे पास नहीं आएंगे। और पद और अहंकार ये हमारे चरण के दो जूते हैं, जिसको निकालने से, जब राजा दशरथ भगवान राम को बुला रहे थे तो खड़े खड़े बुला रहे थे, प्रभु दौड़ रहे थे, भाग रहे थे,
तो राजा को चाहिए उनके पीछे भागे, दौड़कर उनको पकड़े, परंतु ये अपने स्थान पर खड़े थे, खड़े खड़े बुला रहे थे। इस संसार में भगवान ने दिखाया मुझे पकड़ने के लिए प्रयास करना होगा, केवल अपने स्थान पर खड़े खड़े बोलते रहोगे मैं मिलूंगा नहीं, मेरे पीछे भागना होगा, पूर्ण प्रयास, मुझे प्राप्त करने की पूर्ण उत्कंठा जब तक साधक में नहीं होगी तब तक मैं उनके वश में नहीं होऊंगा, प्रयास होना चाहिए। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु को कहा, गुरुजी मुझे भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, भगवान क्यों नहीं मिल रहे है? गुरुजी ने कहा, बेटा भगवान को प्राप्त करने के लिए उत्कंठा चाहिए। बोले, गुरुजी 10 साल से इतनी उत्कंठा है, ये कम है? बोले, नहीं बहुत उत्कंठा। बोले, बहुत माने कितनी? अब उत्कंठा का कोई मीटर तो होता नहीं है कि 60 डिग्री 70 डिग्री बता दे। गुरुजी ने कहा, समय आने पर बताऊंगा। एक दिन गुरु शिष्य दोनों नदी में स्नान करने गए और दोनों नदी में डुबकी मार रहे थे, गुरुजी ने शिष्य का गला पकड़ा और नदी में डुबा दिया। गुरु थोड़े हट्टे गट्टे थे, शिष्य डूबा और बाहर निकालो मर जाऊंगा मर जाऊंगा। जब अंतिम सांस बची तब गुरुजी ने उसको बाहर निकाला। बोले, गुरुजी ये क्या हो गया आपको आज? तब गुरुजी ने कहा, जब मैंने तुझे डुबाया तुझे बाहर निकलने की कितनी लोलुपता थी, कितनी उत्कंठा थी। बोले, गुरुजी बहुत, यदि नहीं निकाला होता तो मैं मर जाता। बस इतनी उत्कंठा भगवान को प्राप्त करने की हो जाए कि भगवान नहीं मिलेंगे तो प्राण छूट जाएंगे, तब भगवान की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। उत्कंठा होनी चाहिए। राजा दशरथ बुलाए और भगवान राम नहीं गए, कारण 3, क्योंकि दशरथ जी पुरुष है। तात्विक अर्थ देते हुए कहते हैं, दशरथ जी पुरुष है और ज्ञान और वैराग्य की तुलना पुरुष के साथ की गई है और भक्ति की तुलना स्त्री के साथ की गई है। केवल कोरे ज्ञान और वैराग्य से भगवान हमारे पास नहीं आएंगे, कोरे ज्ञान और वैराग्य से भगवान हमें नहीं मिलेंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति रूपी स्त्री का सहारा लेना होगा। भक्ति रूपी स्त्री का जब तक सहारा नहीं लेंगे भगवान नहीं मिलेंगे। एक संत बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। एक बार एक पत्नी के पति विदेश चले गए और जब वे विदेश गए तब उनके 2 पुत्र 1-1 वर्ष के थे, 1 साल के भी पूर्ण नहीं थे, और 7 साल के बाद उनके पति विदेश से वापस आने वाले थे। और इन्होंने सोचा कि हम हमारे पिता को पति को लेने जाएंगे। तो पिता को आने का समय हो गया, स्टेशन पे जाने वाले थे। माता जो थी वे कपड़े धो रही थी। दोनों पुत्र ने कहा, माँ माँ जल्दी करो, माँ ने ध्यान नहीं दिया, माँ जल्दी करो जल्दी करो, यदि माँ तुम नहीं आओगी तो हम लोग ऐसे अकेले चले जाएंगे। तब माँ ने इतना ही कहा, आप दोनों अकेले चले भी जाओगे तो आप जानते हो आपके पिता कौन है, कैसे हैं, कैसे दिखाई देते हैं। तुम कितने भी जल्दी चले जाओ बिना मेरी सहायता से अपने पिता को प्राप्त नहीं कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के समान है और उनकी माँ भक्ति के समान है। जैसे माँ के बिना मात्र ज्ञान और वैराग्य उस पिता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वैसे भक्ति के बिना मात्र ज्ञान और वैराग्य परम पिता भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति का सहारा लेना होगा, भक्ति करनी होगी, अतः भगवान नहीं है। और चौथा कारण, दशरथ जी के बुलाने पर भगवान राम क्यों नहीं गए? क्योंकि दशरथ जी को भूख लगी थी और कौशल्या जी ने भेज दिया, तो भाव यह था कि ये राम आएगा तो मुझे भोजन मिलेगा, खुद भोग भोगने की भावना थी इसलिए राम को बुला रहे। तो भगवान राम ने एक तत्व एक सिद्धांत दे दिया, बोले इस संसार में जो लोग मुझे अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोग भोगने के लिए मुझे पुकारेंगे, मुझे बुलाएंगे, मेरी भक्ति करेंगे तो मैं नहीं मिलूंगा। संसार में कुछ लोग भक्ति करते हैं भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, तो भगवान उन लोगों को भौतिक सुख दे देते हैं परंतु खुद अपने आप को नहीं देते। भगवान किसी को गाड़ी बंगला सब कुछ दे देंगे लेकिन अपने आप को तो उन्हीं को देंगे जो मात्र भगवान को चाहेंगे।
तो इस प्रकार राजा दशरथ जी बुला रहे हैं और भगवान नहीं जा रहे हैं। राजा दशरथ ने कहा, प्रिय मैं बुला रहा हूं लेकिन वो नहीं आ रहा है, तुम मुझे भोजन दे दो। कौशल्या ने कहा, ऐसे कैसे नहीं आएगा। कौशल्या जी बाहर आई। गोस्वामी जी लिखते हैं, कौशल्या जब बुलाने जाई, कौशल्या जब बुलाने गई ना, है ना, ध्यान से सुनिए, कौशल्या जब बुलाने जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पराई। कौशल्या जब बुलाने गई तो भगवान ठुमक ठुमक करते हुए तुरंत दौड़ते हुए कौशल्या के पास आ गए। कारण, कारण कौशल्या भक्ति है और भक्ति से यदि भगवान को बुलाओगे तुरंत आ जाएंगे। भक्ति से बुलाया मीराबाई ने, भक्ति से भगवान को बुलाया नरसिंह मेहता ने, भक्ति से बुलाया ध्रुव ने, प्रहलाद ने, और जिन जिन लोगों ने भक्ति से भगवान को बुलाया भगवान प्रकट हो गए। और कौशल्या के बुलाने पर भगवान तुरंत आ गए। क्यों? क्योंकि कौशल्या अपने लिए भगवान को नहीं बुला रही है, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपने स्वयं अपने आप को भोजन करने के लिए नहीं, भगवान को भोजन कराने के लिए कौशल्या बुला रही है। अतः भगवान तुरंत आ गए। हम जब तक निजेंद्रिय प्रीति वांछा, हम जब तक हमारी इंद्रियों को सुखी करने के लिए भगवान की भक्ति करेंगे भगवान नहीं मिलेंगे, परंतु कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा, कृष्ण के लिए तत् सुख सुखित्व का भाव आ जाए, कृष्ण को सुखी करने के लिए, राम को सुखी करने के लिए भक्ति करेंगे तो भगवान ठुमक ठुमक नाचते हुए दौड़ते हुए हमारे पास आ जाएंगे, हमको दर्शन दे देंगे। भगवान ने अपने आचरण से यह बताया। तो इस प्रकार भगवान कौशल्या जी के पास आ गए और फिर कौशल्या जी ने कहा, अपने पिता के साथ भोजन करो। राजा दशरथ बैठे हैं, राम को अपने गोद में बिठाया, राजा दशरथ खुद खा रहे हैं और राम को खिला रहे हैं, और राम थोड़ा थोड़ा भोजन खाए और फिर तुरंत वहां से पिता के गोद से उठकर दौड़कर चले गए। आचार्य गण कहते हैं कि जब तक राजा दशरथ के मन में अपने पुत्र को खिलाने की भावना थी तब तक पुत्र रहा, लेकिन राजा दशरथ साथ साथ खुद भी टेस्ट लेने लगे और खुद को जब टेस्ट आने लगा, वाह कितना सुंदर बनाया है, अपनी इंद्र तृप्ति होने लगी, तुरंत भगवान छोड़कर चले गए। जीवन में यही होता है, हम लोग भगवान का भजन करेंगे निष्काम भाव से, भगवान मिल जाएंगे, भक्ति का सुख मिलेगा, लेकिन उसमें कभी भी भौतिक भोग भोगने की इच्छा हो गई, भगवान तुरंत छोड़कर चले जाएंगे। कृष्ण इतने चपल है, किसी के पास आ भी जाते हैं और यदि कोई अपराध करे तो उसे छोड़कर चले भी जाते हैं। अतः भगवान के प्रति शुद्ध भाव, शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। तो इस प्रकार भगवान अपनी लीला से अनेकों सिद्धांत प्रकट करते जा रहे हैं। आगे चलकर चूड़ाकरण संस्कार हुआ और अब भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करने का समय आया, लेकिन हमारा कथा समाप्त करने का भी समय आया। मैंने सोचा था आज यज्ञोपवीत करा के, विद्या प्राप्त करा के, विश्वामित्र जी के साथ अहल्या का उद्धार करा देंगे और जनकपुर में पहुंचा कर कथा का विराम करेंगे, ताकि कल भगवान श्री रामचंद्र का विवाह हो, क्योंकि प्रभु को अकेले रखना ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, कल थोड़ा जल्दी शुरू कर लेंगे और आज की कथा जो बाकी है कल कर लेंगे। कल भगवान श्री रामचंद्र का विवाह होगा, सब लोग बड़े सज धज कर, बड़े प्रेम से, उत्साह के साथ तैयारी से आइएगा। अद्भुत विवाह, अद्भुत प्रण, अद्भुत प्रतिज्ञा, और भगवान अपना पराक्रम दिखाएंगे और फिर उसमें परशुराम का आगमन होगा और किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र की कीर्ति की ध्वजा सहित, ध्वजा के समान लक्ष्मण जी अपने भाई का अपयश सहन नहीं करेंगे और परशुराम के साथ उलटकर, परशुराम के साथ संवाद होगा। बहुत सुंदर कथा आएगी, आप सभी भक्तों से निवेदन है बड़े प्रेम से आइए, श्रद्धा से कथा को सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए।
श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद मंडल कृष्ण प्रभु यहाँ उपस्थित हुए हैं और ऊपर इंट्रोडक्शन दीजिए भावनगर में। कुंडल कृष्ण प्रभु हमारे श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर के बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं और साथ ही साथ जिनके मुखारविंद से हम यहाँ पे श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं ऐसे हिज ग्रेस श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी के शिक्षा गुरु हैं। तो आइए बड़े उत्साह के साथ महामंत्र से हम प्रभु जी का स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद आप सभी वैष्णवों का कि भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की दिव्य पावनाति पावन त्रितापनाशिनी भव विनाशिनी प्रेम प्रदायिनी इन कथा अमृत रस का स्वादन हमारे राधा गिरधारी मंदिर के प्रेमी बड़े छोटे हैं भक्ति उम्र में लेकिन भक्ति में बड़े हैं। और प्रभु जी बताए कि हम गिरधारी के वरिष्ठ हैं लेकिन बालों से खाने में ऐसे शुद्ध भक्त से कथा सुनना ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मैं जब कथा मंडप में आया तो प्रभु जी निवेदन कर रहे थे रामायण से कि भगवान श्री कौशल्या जी के सामने जब प्रकट हुए तो इतना अद्भुत मनोहर रूप था कि मुनि मन हारी मुनियों के मन को भी भगवान अपने सौंदर्य सिंधु से बड़े बड़े मुनियों के मंदर को अपने सौंदर्य सिंधु में डुबा देते हैं श्री राम। तो रघुवंश भूषण चरित नर जे सुनई कहई जो गावही कलि मन मनोमल धोई से नर परम पद को पावही से परम पद पावही। भगवान श्री राम के इस पावन यश को जो सुनता है कहता है गाता है वो अपने मन को जो वासना से मलिन हो चुका है उनको धोकर परम पद भगवान के चरण भगवान के धाम को पा जाता है। इसी बात को गोस्वामी ने भी अपने इस भाव में कहा है कि यह चरित जो गावही हरि पद पावही तेन परही भव को पा। भगवान के जन्म मांगल्य प्रसंग को जो कहता है गाता है सुनता है वो फिर इस भव संसार में आता नहीं है भव सागर से पार हो जाता है हरि चरण धाम को पा जाता है। छोटी सी बात बताकर हम वाणी को विराम देंगे। श्रीमद् भागवत में भगवान व्यास भगवान पद्म पुराण में एक बड़ा मधुर बात कहते हैं कि स्वपुरुषम अपि विक्ष पास हस्त। एक दिन श्री यमराज सुबह सुबह मंगला में जगे आरती में तो उन्होंने देखा कि अपने जो यम दूत है वो बड़े तैयारी के साथ पृथ्वी पर जा रहे थे। क्यों? अपनी ड्यूटी करने, क्योंकि जो पापी है भोगी है विषयी है उनको नरक में दंड देना है तो इन पापियों को ढूंढने उनका बिजनेस चलता है यमदूतों का। तो वो जा रहे थे तो यमराज जी ने उनको रोका और कहा कि सुनिए सुनिए वदति यम तस्य कर्णमूले। उनके कानों में जाकर यमराज जी ने कहा कि एक बात सुनिए कहाँ जा रहे हैं। बोले आपकी आज्ञा है पापियों को लाना है यहाँ पर। तो यमराज जी ने बड़ा सुंदर निवेदन किया है काल के काल है यमराज मृत्यु के अधीश्वर देवता है चर अचर सबको वही खाते हैं भगवान की आज्ञा इच्छा से। वे यमराज कहते हैं परिहर भगवत कथा सुमत्तान। हे यमदूतो जो व्यक्ति भगवान श्री राम की कथा में जाता है कृष्ण की कथा को सुनता है उनके पास मत जाना। मेरी तुम्हें आज्ञा है कि उनके पास मत जाना जो कथा में जाता है। क्यों? बोले प्रभु रहरम्य निणाम न वैष्णवानाम। मैं पापियों का भोगियों का
उसका अधिकार हमारे ऊपर है. जो वैष्णव है, राम कृष्ण कथा के प्रेमी है, उस पर हमारा कोई शासन नहीं, उनके पास मत जाना. तो यमदूतों ने एक छोटा प्रश्न किया कि महाराज, आप बता रहे हो कि जो कथा में बैठ जाए उसके पास मत जाना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे कथा में बैठते लेकिन कथा उनके मन में नहीं बैठती. ऐसे भी होते हैं ना, शरीर से बैठ जाते हैं मन से नहीं बैठते. बोले वो तुम्हारा ड्यूटी नहीं है, वो कैसे बैठता है, क्या सुनता है, वो कथा में एंट्री किया बैठा उसके पास मत जाना. तो फिर एक प्रश्न पूछा एक यमदूत ने कि प्रभु जी, कई लोग ऐसे हैं बॉम्बे में कि पाप करके कथा में जाके बैठ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा पूरा जीबी भरा हुआ है उनका, उनका क्या होगा. होते ना कुछ लोग पाप, आप बोलते हो कि कथा में बैठे उसके पास नहीं जाने का, लेकिन कुछ लोग पाप करके कथा में बैठ जाए तब. यमराज जी ने बड़ा सुंदर कहा, कितना हूं पाप किया हो, पाप के पर्वत की राशि जमा किया हो, लेकिन राम कथा का एक अक्षर, वाल्मीकि जी ने मंगलाचरण में लिखा है कि एक अक्षरम अपि महापातक नाशनम, करोड़ों करोड़ों पाप को, करोड़ों जन्मों के पाप को राम कथा का एक अक्षर नष्ट कर देता है. इसलिए कथा में जो जाए उनके पास तुम मत जाना, बस सीधी सी बात है, समझ लो. भक्तों, भगवत कथा में ही भगवत कृष्ण प्रेम छुपा है, और इसी कृष्ण कथा जो देता है हमें वो भूरी दा जना. भागवत में गोपियों उनकी प्रार्थना करती है भगवान से, सबसे बड़ा हमारा हितकर, हमारा भला करने वाला वह है जो हमें भगवान से जोड़ता है, क्योंकि वे ही हमारे है. ये सब तो कुछ समय के संबंधी है, वास्तविक हमारे रियल रिलेटिव कृष्ण है. तो इस भवसागर से हमें पार जाना है, तो ऐसे शुद्ध भक्तों से राम और कृष्ण की कथा सुनिए. और प्रभु जी ने अभी अभी अंत में कहा, सब कुछ भूल जाए तो एक बात मत भूलिएगा, हमको बड़ा अच्छा लगा कि भाई बुलाने पर पशु भी आ जाते हैं, तो ये तो प्राणनाथ है, आप उनको बुलाएंगे और क्या नहीं आएंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जाकर नाम सुनत शुभ होई, दशरथ जी ने कहा ना, वही भागवत में है, यन नाम सुति मात्रेण अपमान भवति निर्मल. भगवान का नाम यही असली संपत्ति है. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गोलोक वृंदावन से हमारे लिए लाए हैं, और इस हरिनाम अमृत औषधि का आप आस्वादन करोगे, आपका भवरोग, संसार, वासना, क्रोध, काम आदि सारे दुर्गुण, पाप सब नष्ट हो जाएंगे, आप पवित्र हो जाओगे और भगवान कृष्ण के प्रेमी हो जाओगे. विश्व में आपका यश इतना बढ़ेगा कि त्रिभुवन के देवता इस वैष्णव को प्रणाम करेंगे. लेकिन भक्त वो कुछ नहीं चाहता, भक्त यही चाहता है जैसे प्रभु जी अंत में बता रहे थे, कृष्ण को प्रसन्न करना भक्ति का हेतु और कुछ नहीं, और हेतु की. तो आप सभी शुद्ध ब्रज प्रेम भक्ति चाहते हैं, तो हरे कृष्ण संस्था के आचार्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के शिष्य प्रशिष्यों की धारा में ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत शुद्ध भक्तों का संग करिए, भक्तों में स्नेह आदर प्रेम बढ़ाइए, और ये जो शास्त्रों से सुनाते हैं उनको जीवन में अपनाइए. आप धन्य हो जाएंगे, भगवान की कृपा के पात्र हो जाएंगे, और भक्ति महारानी के अनुग्रह से आप भगवान के चरणों को निश्चित पाएंगे, कोई शंका संशय नहीं है इसमें. इसी भाव के साथ परम पूज्य लाल गोविंद प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, आप सभी आयोजनकर्ताओं को भी, और दहिसर के और मीरा रोड बोरीवली इस प्रेमी महानुभाव जो कथा से भाव रखते हैं, ऐसे सभी कथा प्रेमियों को लाखों लाख वंदन और निवेदन कि ऐसी कथाओं के आयोजन में अपना समझकर भाव प्रेम तन मन धन से जोड़िए. और एक छोटा सा निवेदन यह भी कर दे यहाँ से कि परम पूज्य लाल गोविंद प्रभु जी ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया है. 6 मई अभी जो मई महीना आने वाला है, 6 तारीख को भावनगर में, जहाँ पर हम थोड़ा सा छोटा सा प्रचार कुछ अपनी बुद्धि से शक्ति से वैष्णव के आशीर्वाद से कर रहे हैं, तो वहाँ पर भावनगर में उनकी कथा है 6 मई से 12 मई भागवत. तो आपको भी निमंत्रण है, प्रसाद की रहने की सारी व्यवस्था की जाएगी, टिकट की लाल गोविंद प्रभु कर दे तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. प्रभु जी भावनगर की टिकट की व्यवस्था करें ना करें,
लेकिन कुंडल कृष्ण प्रभु ने अपने वचनों से हमारा गोलोक का टिकट फिक्स कर दिया है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. सभी भक्तों से निवेदन है कल सुबह 6 बजे इस ग्राउंड में श्री राधा गिरधारी जी की मंगला आरती, हरिनाम जप और हिज ग्रेस गुड़ाकेश प्रभु के द्वारा प्रवचन होगा. तो यहाँ के रहवासियों के चरणों में नम्र निवेदन है कि शाम को हम जो कथा सुनते हैं उस कथा को अप्लाई करना हो तो आप कल सुबह आइए. अब जब तक ये कथा रहेगी शनिवार तक रोज़ सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक ये मॉर्निंग कार्यक्रम होगा. इसमें मंगला आरती होगी, हरिनाम जाप करना होगा. जिन लोगों को भी माला जाप करना है तो यहाँ से दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में, और जाप करेंगे उसके बाद छोटा सा प्रवचन होगा और सब के लिए प्रसाद की व्यवस्था है. प्रसाद लेकर जिन लोगों को ऑफिस में जाना है ऑफिस में जाएंगे, घर पर जाना है घर पर जाएंगे. और विशेष निवेदन कल एकादशी है, भक्तों से निवेदन है एकादशी व्रत का पालन कीजिए, जीवन को धन्य कीजिए. रिपीट कर. हरे कृष्णा. आज के इस आयोजन में अनेकों भक्तों का हमें सुंदर सहयोग प्राप्त हुआ है तो हम उन भक्तों को यहाँ आमंत्रित करना चाहेंगे. सभी भक्तों से विनंती है केवल 5 मिनट अपने स्थानों पर बने रहिए, केवल 5 मिनट अपने स्थानों पर बैठे रहिए. प्रथम मैं विनंती करता हूँ श्रीमान जगदीश चंद्र आचार्य के स्मरणार्थ पे आज यहाँ पे शिवांग व्यास एवं आशीष त्रिवेदी प्रभु द्वारा बहुत सुंदर सेवा दी गई है. तो मैं शिवांग प्रभु एवं आशीष त्रिवेदी प्रभु से विनंती करता हूँ कि वे कृपया यहाँ मंच पे आएं. और शिवांग प्रभु ने विशेष हमसे विनंती की है कि ये सेवा का जो भी लाभ है इनके पूर्वजों को प्राप्त हो, तो इसीलिए हम शिवांग प्रभु से विनंती करते हैं कि वे यहाँ आएं और बड़े उत्साह से हम महामंत्र से उनका स्वागत करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. साथ ही साथ महेश ट्रेडर्स से आए हुए श्रीमान महेश भाई से मैं विनंती करता हूँ कि कृपया मंच पे आए. महेश ट्रेडर्स से श्रीमान महेश भाई जहाँ कहीं भी हो कृपया मंच पे आ जाएं. आज की सेवा में इनका भी बहुत सुंदर योगदान रहा है. महेश भाई से विनंती है कृपया मंच पे आ जाएं. और दहिसर की यह जो कथा है, जैसे हमारी कथा जहाँ कहीं भी होती है तो एक ऐसा स्तंभ परिवार इस कथा के आयोजन में बहुत ही अग्रगण्य होता है, तो यहाँ पे दहिसर की कथा में भानुशाली परिवार शिरमौर रहा है. तो ऐसे भानुशाली परिवार से श्रीमान कोरजी भाई श्यामजी भाई भानुशाली प्रभु, श्रीमान अशोक भाई धर्मशी भाई भानुशाली प्रभु एवं श्रीमान दामजी भाई मेघजी भाई भानुशाली प्रभु से मैं विनंती करता हूँ कि आप सभी यहाँ मंच पे पधारें और हिज ग्रेस श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी के हस्त कमलों से भगवान की छवि एवं पुष्पहार आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार करें. भानुशाली परिवार से श्रीमान कोरजी भाई श्यामजी भाई भानुशाली प्रभु, अशोक भाई धर्मशी भाई भानुशाली प्रभु एवं श्रीमान दामजी भाई मेघजी भाई भानुशाली प्रभु, ये अग्रगण्य परिवार जिन्होंने इस सेवा में बहुत ही सुंदर योगदान किया है, इनसे मेरी विनंती है मंच पे आए और हम इनका स्वागत करेंगे महामंत्र के साथ. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सभी भक्तों से विनंती है कि आप कृपया मंच के पास बने रहिए क्योंकि अभी रामायण जी की आरती होगी. तो हम स्वागत करते हैं प्रभु जी का. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. साथ ही साथ मैं विनंती करता हूँ श्रीमान केशु भाई पटेल प्रभु से कि वे भी कृपया यहाँ मंच पे आए. आज की सेवा में इनका भी बहुत सुंदर योगदान रहा है. और उपस्थित सभी श्रोताओं के लिए एक बहुत सुंदर समाचार है, यहाँ जो श्री राम कथा हो रही है
इस कथा के कल तक के सत्रों की, कल तक की कथा जो हमने यहाँ पे श्रवण की, इसकी सीडीज और इसकी जो सीडी है वो सीडी स्टॉल पे आज ही उपलब्ध हो गई है। तो यदि कोई भक्त पिछले तीन दिनों की कथा की सीडीज यदि ले जाना चाहते हैं तो वे कृपया सीडी स्टॉल पे संपर्क कीजिए। और साथ ही साथ कल एकादशी व्रत का सभी भक्तों से विनंती है कि पालन कीजिए। और कल परम पवित्र अवसर है हमारे लिए, कामदा एकादशी है, और कल यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह भी होने वाला है। तो आप सभी भक्तों से विनंती है कि समय सर आ जाइए और इस परम पवित्र लाभ को अपने जीवन में धारण कीजिए। केशुभाई पटेल प्रभु यदि यहाँ मंच में उपस्थित हैं तो कृपया मंच पे आ जाइए। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिवांग प्रभु से विनती है कृपया मंच के पास आ जाइए और अभी रामायण जी की आरती होगी। हरे कृष्णा।